नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह भीमा। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। मऊ कलेक्ट्रेट पर किसानों का भूख हड़ताल। मऊ जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने, नहरों में पानी देने, छूटा पशुओं को फसलों को बचाने, बिजली आदि देने के समस्याओं को लेकर मऊ कलेक्ट्रेट पर कल किसानों ने भूख हड़ताल किया। आक्रोशित किसानों ने जमकर सरकार के खिलाफ व मऊ जिलाधिकारी के खिलाफ नारे भी लगाए। जी हाँ, ये बताते चले कि मऊ के किसान भारी आक्रोश में है। कल जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर भूख हड़ताल किया और अपनी मांगों को लेकर जबरदस्त धरना और प्रदर्शन किया। ईसर सूखा पड़ा हुआ है। 855.80 मिलीमीटर के सापेक्ष जून से लेकर अक्टूबर तक मात्र 339 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी 39% से कम बारिश है। पूरे प्रदेश में महोबा और मऊ में सबसे कम बारिश है। हम मऊ जनपद को सूखा घोषित कराने के लिए आए हैं। दूसरी हमारी मांग है कि छुट्टा पशु जो है हमारी फसलों को भारी क्षति पहुंचा रहे हैं। आज 2 साल हुआ, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया, तत्काल व्यवस्था किया जाए। तीसरी हमारी मांग है, गाँव में बिजली 10 घंटा दिन में दो, संढक पड़ रही है, रात में बिजली दे रहे हो, हिंसक पशु सांप बिच्छू कीड़ा काट लेगा तो किसान मर जाएगा, इसलिए 10 घंटा दिन में बिजली दो। तीसरी हमारी मांग है, अगली मांग है, नहरों में पानी दो। मऊ में 70 नहरें हैं, अब तक जो है 55 नहरों में पानी नहीं आया। सिंचाई विभाग मऊ की 32 नहर है और लघु सिंचाई खंड जौनपुर की है 5 नहर है, शारदा सहायक खंड 32 की 34 नहरें, इस तरह 70 नहरें, 70 नहरों में पानी नहीं आया। आप देखते रहिए तहलका न्यूज, सबसे तेज सबसे ज्यादा मऊ का नंबर 1 चैनल तहलका न्यूज। सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी।